मैं दिखने में थोड़ा अच्छा और अपने शरीर पर हमेशा ध्यान देते रहता हूँ। मेरे घर के पास ही एक परिवार रहता था, उसमें एक महिला और उसकी बेटी भी रहती थी। महिला का बहुत साल पहले ही तलाक हो चुका था। वह महिला देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। हम सभी लड़के उन्हें सेक्सी आंटी के नाम से ही जानते थे। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा था। हर तरह के कपड़े पहनती है, लेकिन जब भी साड़ी पहनती है किसी भी परी से कम नहीं लगती थी। मैंने अपने आगे की शिक्षा के लिए नागपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मैं बेंगलोर चला गया था। वहाँ लगभग 5 महीने हो गए थे, तभी मुझे पता चला कि उन आंटी की बेटी भी बेंगलोर में ही पढ़ती है। पहचान के होने के कारण हम बहुत बार मिल लेते थे। वह बेंगलोर में अकेली ही रहती थी। एक दिन उनकी बेटी फातिमा ने मुझसे पूछा कि क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं। मैं भी अकेला ही रहता था, यह तो मेरे लिए एक चमत्कार ही था। हमारी एरिया की सबसे सुंदर और रोमांटिक लड़की के साथ रहने का मौका मुझे मिल रहा था। मैंने भी हाँ बोल दिया। फातिमा ने आंटी को बता दिया था कि हम दोनों साथ में ही रह रहे हैं। आंटी भी खुले विचारों की थी, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे तो हम दोनों सिर्फ दोस्त की तरह रहने का सोच रहे थे, पर हमारे बीच कुछ ही दिनों में शारीरिक संबंध बन गए। मैं सोच ही रहा था कि आगे क्या करेंगे, तो फातिमा ने पहले ही बता दिया कि वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम अलग जाति के थे। मैं भी समझ गया था और वह हम आगे सिर्फ दोस्त बनकर ही रहें। हम लगभग 3 साल ही रहे और इसी बीच हमने कई बार संबंध भी बनाए। कॉलेज खत्म होने पर मैं घर आ गया था, तो अब फातिमा से मिलना भी बहुत कम हो गया। जब भी फातिमा घर आती थी तभी थोड़ी बोल चाल हो जाती थी। पिछले साल ही फातिमा की शादी हो गई, तो अब थोड़ी बात होने भी बंद हो गया था। शादी के कुछ दिन बाद ही एक दिन आंटी को कुछ काम था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनके कंप्यूटर का थोड़ा काम था। जब मैं उनके घर पहुंचा, तब आंटी साड़ी में थी। मैंने उनका कंप्यूटर देखा और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, 2 मिनट में ही ठीक हो गया। मैं वापस जाने लगा तो आंटी ने बोला, थोड़ा रुको, चाय पीकर जाओ। मैं रुक गया और चाय पीने लगा। आंटी मेरे बाजू में बैठ गई और बातें करने लगी। पूछ रही थी, बेंगलोर में जब मैं था उनकी बेटी के साथ रहता था तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने भी कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आंटी ने मुझसे तभी सीधे पूछा कि मैंने उनके बेटी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं किया ना? यह सुनते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया और नहीं बोला। तभी आंटी मुझे देखकर हंसी और बोली, पागल इतना डर क्यों रहे हो? किया भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जवान हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ऐसे ही प्यार से बातें करते हुए उन्होंने मेरे से बुलवा लिया कि मैंने फातिमा के साथ संबंध बनाया था। आंटी भी हंसकर ही बातें कर रही थी। बात करते करते उन्होंने अचानक मेरी जांग पर हाथ रख दिया और बोली, मैं कैसी दिखती हूँ? मैं अब थोड़ा ज़्यादा ही घबरा गया और बोला कि अच्छी ही दिखती हो। फिर आंटी बोली, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। उनके बाद मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। आंटी का मुझ पर पूरा कंट्रोल था। उस दिन हमने लगभग 2 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाया और फिर मैं अपने घर चला गया। तब से जब भी आंटी का मन होता है वह मुझे बुला लेती है और हम थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। यह मेरे लिए एक अनोखा ही अनुभव है। इसको ही मैं अपने लिए चप्पड़ फाड़ के अनुभव मानता हूँ।